दोस्तों, अगर आपने भी BSNL का नया सिम कार्ड लिया है, उसे आप एक्टिवेट करना चाहते हैं या टेली वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि BSNL के नए टेली वेरिफिकेशन नंबर कौन कौन से दिए गए हैं, और साथ ही आप मात्र 24 घंटे के अंदर BSNL के नए सिम कार्ड को आसानी से एक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे एक्टिवेट करेंगे, इसका पूरा लाइव प्रोसेस आपको इस वीडियो माध्यम से बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, अभी तक हमारे चैनल पर आपने तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके BSNL सिम कार्ड में नेटवर्क नहीं आ पा रहा है या टेली वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है या किसी अन्य तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि BSNL का जो ऑफिशियली टेली वेरिफिकेशन का नंबर कौन कौन से दिए गए, और साथ ही आप मात्र 24 घंटे के अंदर BSNL के नए सिम कार्ड को आसानी से एक्टिवेट भी करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि दोस्तों, BSNL के सिम कार्ड में नेटवर्क आ चुका है या नहीं आया है। अगर मान के चलिए नेटवर्क नहीं आया, तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको वीडियो के बाद में बताऊंगा। अगर नेटवर्क आ चुका है, इसके लिए सबसे पहले आपको टेली वेरिफिकेशन करना है, काफ़ी ज़रूरी है। ऑफिशियली जो BSNL का टेली वेरिफिकेशन का नंबर है 123, और दूसरा जो नंबर जारी किया गया टेली वेरिफिकेशन का BSNL की तरफ से 150 पर भी कॉल कर सकते हैं। दोनों ऑफिशियली टेली वेरिफिकेशन के नंबर है, किसी पर भी आप कॉल कर सकते हैं। आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जैसे आपने जब भी नया सिम कार्ड लिया था उस टाइम आपने कौन सा आइडेंटिटी प्रूफ दिया था, कौन सी आपका एड्रेस है, ये सारी जानकारी वेरिफिकेशन होने के बाद मात्र 24 घंटे के अंदर आपका BSNL का नया सिम कार्ड आसानी से एक्टिवेट हो जाता है। दोस्तों, एक्टिवेट होने के बाद जो आपको डेटा सर्विस है BSNL की, वो एक्टिवेट करना काफ़ी ज़रूरी है, तभी आप डेटा को चला सकते हैं। डेटा सर्विस एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने मोबाइल नंबर से एक SMS करना, START, या आपको कैपिटल लेटर टाइप करना और इस SMS को सेंड करना है 1925 पर। जैसे आप सेंड करेंगे, तो आपकी जो डेटा सर्विस है BSNL सिम कार्ड के अंदर, वो आसानी से एक्टिवेट हो जाती है। अगर दोस्तों मान के चलिए आपके BSNL के सिम कार्ड में नेटवर्क नहीं आ पा रहा किसी कारण से, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो भी आपका नज़दीकी रिटेलर है उससे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों मान के चलिए आपने टेली वेरिफिकेशन करवा दिया है, उसके बाद भी आपका BSNL का नया सिम कार्ड चालू नहीं हो पा रहा है, तो BSNL की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जिसमें क्लियर दिया गया है कि नए सिम कार्ड को टेली वेरिफिकेशन होने के बाद 3 दिन के अंदर आसानी से आपका नया सिम कार्ड एक्टिवेट हो जाता है। मिनिमम यहाँ पर 24 घंटे का टाइम लेता है, लेकिन मैक्सिमम 3 दिन का टाइम भी लग सकता है। फिर भी दोस्तों, अगर आप कोई परेशान है, तो BSNL का जो ऑफिशियली कस्टमर केयर का नंबर है 1800 180 1503 पर कॉल कर सकते हैं। दूसरा जो ऑफिशियली नंबर है 1503 पर भी कॉल कर सकते हैं। दोनों ऑफिशियली टेली वेरिफिकेशन और कस्टमर केयर के नंबर है, किसी पर भी यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों, अगर आप कोई परेशान है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जैसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके।